गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन चैप्टर 6 अवकलज के अनुप्रयोग इसके करेंगे। इसमें पहले बहुविकल्पीय है, ये सब एक नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, तीन क्वेश्चंस हैं ये। उसके बाद अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, ये भी एक नंबर के हैं। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न दो नंबर वाले, ये 11 तक के क्वेश्चन हैं। और उसके बाद 5 नंबर के क्वेश्चन, ये सब 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं आपके। ये क्वेश्चन नंबर 29 तक के हैं, 5 नंबर ये क्वेश्चंस, 29 क्वेश्चंस तक। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये 8 अंक के क्वेश्चन है ये। अब इसके सॉल्यूशन समझाती हूँ तुम्हें। फर्स्ट क्वेश्चन है, वक्र y इज इक्वल टू इक्वी पावर 2x की बिंदु 0, 1 पर स्पर्श रेखा x अक्ष से बिंदु ए 0, 1, बी -1/2, 0, सी 2, 0 और डी 0, 2 इस पर मिलती है। कोई भी स्पर्श रेखा अगर एक्स अक्ष से मिलती है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो जैसे ये वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 है और इसका भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है। वक्र में दिया है वाई इज इक्वल टू इक्वी पावर 2x, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स 2e की पावर 2x। अब बिंदु 0, 1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी डी वाई अपॉन डी एक्स 0, 1 बिंदु पर, एक्स के जगह 0 रख देंगे तो 1e की पावर 0 हो जाएगा, ये 1 के इक्वल, तो 2 × 1 2 के इक्वल। अब बिंदु 0, 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण y -1, ये x1 है, ये x1, ये y1, तो y माइनस वाई वन सूत्र होता है इसका, तो सूत्र होता है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वन 2 × x-0, वाई माइनस वन इज इक्वल टू 2x। यहाँ पे वाई वन 1 है और एक्स वन 0 है यहाँ पे। अब यह रेखा एक्स अक्ष पर मिलती है तो जो भी रेखा एक्स अक्ष पर मिलेगी उसका वाई इज इक्वल टू 0 होगा, 0 - 1 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अभीष्ट बिंदु होगा -1/2, 0, बी पार्ट इसका सही है। अब आपको एग्ज़ाम में पूरा का पूरा सॉल्यूशन नहीं करना है, रफ में कीजिएगा, सिर्फ आंसर से मतलब होता है एग्जामिनर को कि बी पार्ट है और -1/2, 0 ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, किस बिंदु पर y इज इक्वल टू x प्लस 1 वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की स्पर्श रेखा है। यह में 4 बिंदु दिए हुए हैं, रेखा दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, वक्र है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसका वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पे dy/dx इज इक्वल टू 2/y। रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसमें हम प्रवणता निकालेंगे dy/dx इज इक्वल टू 1। अब ये जो दी गई रेखा है वो वक्र की स्पर्श रेखा है, तो मतलब दोनों का प्रवणता बराबर होगी, 2/y = 1, y = 2। अब y की वैल्यू रख देंगे समीकरण में, चाहे रेखा में रखो चाहे वक्र में रखो, तो वक्र में रखा है हमने, x की वैल्यू 1 और a पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो आप आंसर लिखेंगे a पार्ट बिंदु 1, 2। थर्ड क्वेश्चन है, वक्र y इज इक्वल टू 2x² + 3sin x के x = 0 पर अभिलंब की प्रवणता है, 3, 1/3, -3 या -1/3। वक्र की समीकरण हमें दी हुई है x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx इज इक्वल टू 4x + 3cos x। तो ये स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, अभिलंब की प्रवणता का सूत्र होता है -1/dy/dx, तो -1/4x + 3cos x, x = 0।
हमें दिया हुआ बिंदु है तो एक्स की जगह जीरो रखोगे, फोर इंटू जीरो जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, तो थ्री इंटू वन थ्री के इक्वल, तो माइनस वन अपॉन थ्री, डी पार्ट इसका आंसर है। तो एग्ज़ाम में आपको पूरा पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, रफ में कीजिए ज़्यादा, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो आपका। फोर्थ क्वेश्चन है, वक्र वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव के बिंदु एक्स इज इक्वल टू माइनस टू पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। हम इससे डी वाई बाय डी एक्स निकाल लेंगे, यहाँ एक्स की वैल्यू दी हुई है माइनस टू, वाई की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, इसका एक्स के सापेक्ष आकलन करने पर डी वाई बाय डी एक्स टू एक्स माइनस फोर, एक्स पे हमें दिया रखा है माइनस टू, तो ये माइनस एट आ जाएगा। जब एक्स इजिकल टू माइनस टू होगा तो वाई की वैल्यू इससे हम निकाल लेंगे, सेवन आ जाएगी। तो बिंदु माइनस टू और सेवन पर स्पर्श रेखा का समीकरण, वाई माइनस सेवन इजिकल टू माइनस एट, ये हम निकालो ऊपर, एक्स माइनस माइनस टू एक्स प्लस टू, वाई माइनस सेवन माइनस एट एक्स प्लस टू, सॉल्व करोगे तो एट एक्स प्लस वाई प्लस नाइन, ये आंसर। ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल वन टू में एफ एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन से दिया गया फलन निरंतर वर्धमान है। इससे पहले फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, एफ 2.01 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जबकि एफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स का स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू। तो एफ 2.01 पे निकालनी है वैल्यू, हमने एफ एक्स दिया हुआ है फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू। अब एक्स इसमें एक्स टू के इक्वल है और डेल्टा एक्स 0.01 के इक्वल, एफ एक्स ये हमारे पास है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एफ डैश एक्स ये हो जाएगा एट एक्स प्लस फाइव। अब डेल्टा वाई एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसको उधर ले जाएंगे, एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई का सूत्र होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, इसको हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। तो एफ 2.01 एफ एक्स की जगह फोर एक्स का स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू, एफ डैश एक्स एट एक्स प्लस फाइव और डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स एक्स टू रखो, डेल्टा एक्स 0.01 रखो, यहाँ पे वैल्यूज रख दो सबकी, सॉल्व करके ये आ जाएगा आपका 28.21। ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल वन टू में एफ एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन से दिया गया फलन निरंतर वृद्धिमान है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन, अंतराल दिया हुआ है वन टू, एफ डैश एक्स टू एक्स प्लस ए, एफ डैश एक्स हमें दे रखा है निरंतर वृद्धिमान है, मतलब जीरो से बड़ा है, तो टू एक्स प्लस ए जीरो से बड़ा हो गया या टू एक्स प्लस ए जीरो से बड़ा हो गया, अंतराल वन टू में एक्स हमें दे रखा है वन और टू के बीच में है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन। अब यहाँ हमारे पास टू एक्स है तो टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू एंड लेस देन इक्वल टू फोर, टू प्लस ए तीनों में ए ऐड कर दिया हमने, क्योंकि एफ एक्स निरंतर वृद्धिमान फलन है तो टू प्लस ए जीरो से बड़ा होगा और ए की वैल्यू माइनस टू से बड़ी होगी, तो ए का न्यूनतम मान माइनस टू हो सकता है। अब लघुत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं दो अंक वाले। सेवेंथ क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, यदि इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन वी इज इक्वल टू एक्स की क्यूब, जहाँ एक्स भुजा होती है, डी वी अपॉन डी टी 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की इस दर से बढ़ रहा है, डी वी अपॉन डी टी डी अपॉन डी टी वी की जगह एक्स क्यूब रख दिया हमने, डी वी अपॉन डी टी में दे रखा है 9, डी अपॉन डी टी एक्स क्यूब
ये हो गया थ्री एक्स का स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ से हमने डी एक्स अपॉन डी टी निकाल लिया थ्री अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब हमें निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर डी एस अपॉन डी टी। एस की जगह रख दिया सिक्स एक्स का स्क्वायर, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल सिक्स एक्स का स्क्वायर होता है, तो ट्वेल्व एक्स डी एक्स अपॉन डी टी। ट्वेल्व एक्स या डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू इक्वेशन वन से, फ्रॉम इक्वेशन वन, थ्री अपॉन एक्स का स्क्वायर है, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो थर्टी सिक्स अपॉन एक्स। अब एक्स इज इक्वल टू टेन रखने पर हमें दिया हुआ है थर्टी सिक्स अपॉन टेन हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। एट्थ क्वेश्चन, एक घन का आयतन 7 सेंटीमीटर पर क्यूब की दर से बढ़ रहा है, उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है जबकि घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है। सेम क्वेश्चन है दोनों, घन का आयतन v इजिकल टू एक्स की क्यूब, तो डी वी अपॉन डी टी हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। v की जगह हमने x की क्यूब रख दिया यहाँ पे, तो ये हो गया 3x का स्क्वायर dx अपॉन डी टी। 7 इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर dx अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी आ गया 7 अपॉन 3x का स्क्वायर, समीकरण एक। अब पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ds अपॉन डी टी, एस की जगह 6x का स्क्वायर, d अपॉन डी टी 6x का स्क्वायर, तो 12x dx अपॉन डी टी। एक्स यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू रख दी थ्री एक्स का स्क्वायर, ये एक्स से एक्स कैंसिल स्क्वायर वाला कैंसिल हो गया, तीन चौक 12 सात चौक 28 अपॉन एक्स आ गया। ये यहाँ पे एक्स बचा हुआ है तो 28 अपॉन एक्स, एक्स इक्वल टू 12 रखने पर यहाँ वैल्यू 12 रख दो, 64 28 चार तीय 12 भाग करोगे तो 2.33 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नाइन्थ क्वेश्चन, एफ 3.02 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 है। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स हो गया 6x प्लस 5। एक्स इज इक्वल टू 3 क्योंकि 3.02 पर निकालना है तो माना एक्स इज इक्वल टू 3 और डेल्टा एक्स 0.02। डेल्टा वाई का सूत्र एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ये उधर चला जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमें निकालना है, ये एक्स और डेल्टा एक्स ये हमें निकालना है, एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई, डेल्टा वाई का सूत्र लगा दिया डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये एफ एक्स, ये एफ डैश एक्स और ये डेल्टा एक्स। एफ 3.02 है, एक्स की जगह 3 रखो और ये इस यहाँ पहले एफ डैश एक्स की वैल्यू 6x प्लस 5 रख दी, डेल्टा एक्स की 0.02, अब एक्स की जगह 3 और डेल्टा एक्स की जगह 0.02 रखने पर सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 40.46 तथा डेल्टा एक्स बराबर 0.02 रखने पर। टेंथ क्वेश्चन, वक्र एक्स इजिकल टू ए कॉस क्यूब थीटा, वाई इजिकल टू ए साइन क्यूब थीटा के थीटा इजिकल टू पाए बाय 4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। एक्स इजिकल टू ए कॉस क्यूब थीटा, वाई इजिकल टू ए साइन क्यूब थीटा, थीटा के सापेक्ष एक्स और वाई का अवकलन करने पर डी एक्स अपॉन डी थीटा, इसे करेंगे तो 3a cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा करेंगे तो माइनस साइन थीटा, ये आ गया माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब y को करेंगे dy वाई अपॉन डी था 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, हमें चाहिए dy वाई अपॉन डी एक्स, तो dy वाई अपॉन डी एक्स, ये 3 से 3 कैंसिल, a से a कैंसिल, cos थीटा से स्क्वायर वाला कैंसिल और साइन थीटा से स्क्वायर वाला कैंसिल, बचा क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और यहाँ से माइनस बचा तो ये आ गया माइनस टेन थीटा। अब बिंदु थीटा इजिकल टू पाई बाय 4 पर अभिलंब की प्रवणता, ये होती है माइनस डी एक्स बाय डी वाई, मतलब इसका उल्टा डी वाई बाय डी एक्स का उल्टा जाता है तो माइनस 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स, माइनस 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स, और थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 तो माइनस 10 पाई बाय 4 इजिकल टू, ये ऊपर ही माइनस वन नीचे माइनस वन, ये आ गया 1। एक स्थिर तालाब में एक पत्थर डाला जाता है और उत्पन्न तरंगे वृत्त में
4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। हमें इसमें चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल। ए होता है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। टी के सापेक्ष क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर डी अपॉन डी टी पाई आर स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 2πr dr/dt। अब दिया है हमें dr/dt 4 सेंटीमीटर और r दिया है 10 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर दो, r की वैल्यू 10 और dr/dt की वैल्यू 4, ये आ गया 80π cm² per s। अब शुरू होते हैं 5 अंक वाले क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि fx इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x, x इज ग्रेटर देन 0, से प्रदत्त फलन 0π/4 इस इंटरवल में निरंतर वर्धमान फलन है। fx है tan इनवर्स sin x प्लस cos x, x इज ग्रेटर देन 0, x के सापेक्ष अवकलन करने पर f'x, ये सूत्र होता है हमारा d/dx tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 + x² f'x आ जाएगा 1/1 + x² सपोज करो पूरे को, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, और फिर क्योंकि ये x का फलन है तो इसका भी फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, तो 1/1 + इसको ओपन कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2sin x cos x, और यहाँ साइन एक्स का कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 के इक्वल होते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, और ये सूत्र होता है साइन 2x का, यहाँ पे ये रख दिया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1/2 2 + sin 2x। वेट, जब x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/4, इस बीच में कॉस एक्स हमेशा साइन एक्स से बड़ा होता है, वो कैसे, जैसे ये साइन एक्स से कॉस एक्स, 0 पे साइन एक्स 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, 30 डिग्री पे अगर देखें हम तो साइन एक्स 1/2 और कॉस एक्स √3/2, ये अगर भाग करेंगे तो 0.5 आता है, इसको भाग करेंगे तो 0.85 कुछ आएगा, तो 45 पे दोनों बराबर होते हैं, और हमें यही दिए है कि 0 और π/4 के बीच का, तो इस बीच में इसमें तो कॉस एक्स हमेशा साइन एक्स से बड़ा होगा, और साइन 2x ये भी 0 से बड़ा होगा, ये साइन एक्स को तो ले जाओ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 से बड़ा होगा, और इसमें अगर 2 ऐड कर दे तो वो भी 0 से बड़ा हो जाएगा, तो ऊपर वाला नंबर भी 0 से बड़ा, नीचे वाला नंबर भी 0 से बड़ा, तो f'x अपने आप 0 से बड़ा हो जाएगा, अतः फलन निरंतर वर्धमान है। ऐसी दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। माना संख्या x और 15 - x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है एस सम एक्स का स्क्वायर प्लस 15 - x² ये सम हमने ले लिया माना। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर dx/dx सॉल्व करेंगे, ये 2x आ जाएगा, इसका 2 × 15 - x और यहाँ पे x माइनस का है तो -1, सो 2x ये 30 और ये माइनस माइनस प्लस 2x 4x - 30 आ जाएगा। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए dx/dx 0 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू हम निकालेंगे 15/2 आ जाएगी। अब x के सापेक्ष फिर से अवकलन करोगे d2s/dx² 4 के इक्वल, 0 से बड़ा होगा धनात्मक होगा तो इतना न्यूनतम है, अतः x इज इक्वल टू 15/2 पर ऐसा न्यूनतम है। अब भी संख्या में जाएंगे हमारी 15/2 तथा 15/2। 14 क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। तो ये दिया गया वृत्त है, ये वृत्त है, इसके अंदर आयत बना दिया, आयत की लंबाई x और चौड़ाई y, वृत्त की त्रिज्या अचर है स्मॉल r सपोज कर लिए हमने, ये त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री है, ये ए बी सी एंड डी, तो बी कोण 90 डिग्री। वृत्त के अंतर्गत आयत की लंबाई x और आयत की चौड़ाई y है,
और कोण 90 डिग्री एंगल बी ले लिया, आयत का कोण है। पाइथागोरस प्रमेय लगाए त्रिभुज एबीसी में, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इजिकल टू ए सी का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब आर त्रिज्य है, हमें ए सी चाहिए, पूरा व्यास हो गया ये, तो टू आर का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इजिकल टू फोर आर का स्क्वायर। वाई का स्क्वायर हमने लिया फोर आर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, वाई अंडर रूट फोर आर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल ए इजिकल टू एक्स वाई, एक्स इंटू अंडर रूट फोर आर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। दोनों साइडों का वर्क करने पर ए स्क्वायर इजिकल टू एक्स अंडर रूट फोर आर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इजिकल टू एक्स का स्क्वायर इंटू फोर आर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ओपन कर दिया इसको, फोर एक्स का स्क्वायर आर का स्क्वायर माइनस एक्स के पावर फोर। ए स्क्वायर को जेड मान लिया, जेड इजिकल टू दिस। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी जेड अपॉन डी एक्स, ये फोर आर का स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, डी अपॉन डी एक्स एक्स का स्क्वायर, इसको अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा एट आर का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस फोर एक्स की क्यूब। फोर एक्स कॉमन ले लिया, टू आर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब डी जेड अपॉन डी एक्स को जीरो रखने पर हमें बिंदु मिल जाएगा इसमें, तो एक्स का स्क्वायर ये तो फोर जीरो के इक्वल हो नहीं सकता, एक्स जीरो या तो एक्स जीरो के इक्वल होगा, अगर एक्स जीरो के इक्वल हो गया तो सारी लंबाई भी ख़त्म हो जाएगी इसकी, ये भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो अब बचा ये जीरो के इक्वल होगा, एक्स का स्क्वायर इजिकल टू टू आर का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट टू आर। अब एक्स इजिकल टू माइनस रूट टू आर हो नहीं सकता क्योंकि भुजा के ऋणात्मक नहीं होती, तो एक्स की वैल्यू रूट टू आर। एक्स का मान समीकरण एक में रखने, वाई का स्क्वायर यहाँ पे एक्स का मान रख देंगे, सॉल्व करेंगे वाई की वैल्यू रूट टू आर आ जाएगी। अब एक्स भी रूट टू आर, वाई भी रूट टू आर, दोनों इक्वल हो आ गए, मतलब लंबाई और चौड़ाई इक्वल हो गई, अतः आयत एक वर्ग है। अब उच्चतम और न्यूनतम के लिए इसको फिर से अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, यहाँ ये अवकलन करने पर ये आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख देंगे रूट टू आर, ये आ जाएगा फोर इंटू माइनस फोर आर का स्क्वायर, ये जीरो से छोटा होगा तो ये उच्चतम है। अतः वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। ये क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में करवाया हुआ है, उसमें आप एक बार और समझ सकते हो। क्वेश्चन 15, वक्र y इजिकल टू कॉस एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू माइनस टू पाई और टू पाई के बीच की है, कि स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा एक्स प्लस टू वाई इजिकल टू जीरो के समांतर है। अब स्पर्श रेखाओं दो रेखाएं आएंगी तो उनके समीकरण बताने हैं हमने। y इजिकल टू कॉस एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू माइनस टू टू पाई के बीच, दी गई रेखा x प्लस टू वाई के समांतर है। अब ये शुरू करते हैं, y इजिकल टू कोस एक्स प्लस वाई, अवकलन करेंगे dy वाई बाय डी एक्स, इसका माइनस साइन वाई एक्स प्लस वाई, एक्स का वन हो जाएगा, y का dy वाई बाय डी एक्स हो जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास, अब dy वाई बाय डी एक्स वाले सारे इकट्ठे कर दिए और dy वाई बाय डी एक्स निकाल लिए, माइनस साइन एक्स प्लस वाई अपॉन वन प्लस साइन एक्स प्लस वाई। स्पर्श रेखा की प्रवणता dy वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई अपॉन वन प्लस साइन एक्स प्लस वाई, एम वन ले लिया हमने। दी गई रेखा, ये समीकरण एक हो गई, दी गई रेखा इसकी y इजिकल टू माइनस एक्स अपॉन टू, अवकलन करेंगे इसका, इसकी प्रवणता निकालेंगे, दोनों रेखाएं समांतर हैं तो दोनों की प्रवणताएं समान हो जाएंगी, तो ये आ गया माइनस साइन एक्स प्लस वाई अपॉन वन प्लस साइन एक्स प्लस वाई इजिकल टू माइनस वन अपॉन टू, टू साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई इजिकल टू वन, सॉल्व करने पे साइन एक्स प्लस वाई इजिकल टू वन, वन की जगह साइन पाई बाय टू, व्यापक समीकरण हो जाएगी एक्स प्लस वाई इजिकल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन पाई बाय टू। अब हमें कॉस में चाहिए तो दोनों पक्षों का कॉस ले लेंगे हम, ये कॉस एक्स प्लस वाई, अब ये कॉस एक्स प्लस वाई जीरो के इक्वल, फोर ईच एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ये हमारे पास आ गया। अब एन की वैल्यू हम जीरो वन टू माइनस वन माइनस टू ये सब रखेंगे हम, जीरो रखने पे ये कॉस पाए बाय टू, ये हमारे रेंज के अंदर है, माइनस पाए बाय माइनस टू पाए टू पाए के बीच में है,
वन रखेंगे तो कॉस पाई बाय टू आ जाएगा, एन इजिकल टू रखेंगे तो कॉस फाइव पाई बाय टू, ये टू पाई से बड़ा हो जाएगा, माइनस वन रखेंगे तो माइनस थ्री पाई बाय टू आएगा, ये भी माइनस टू पाई टू पाई के बीच में है, माइनस टू रखेंगे तो माइनस थ्री पाई बाय टू, ये भी माई रेंज में है। और अगर हम माइनस थ्री रखते हैं, माइनस थ्री रखते हैं तो माइनस सेवन पाई बाय टू, ये टू पाई से बड़ा हो जाएगा। तो हमें बिंदु कौन से मिले, एक्स इजिकल एक तो माइनस थ्री पाई बाय टू मिल गया और हमें यह मिल गया पाई बाय टू। अब इन बिंदुओं पर हम स्पर्श रेखाएँ रेखाओं की समीकरणें निकालेंगे। ये क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में, जो कि मैं बाद में एंड में दे दूंगी वीडियोस, वो उनमें भी करवाया हुआ है ये। अब बिंदु माइनस थ्री पाई बाय टू और जीरो पर स्पर्श रेखा हम निकालेंगे, वाई माइनस टू ये आ जाएगा, वाई इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री पाई बाय टू, सॉल्व करेंगे इसको, टू टू द फोर तो ये आ जाएगा टू एक्स प्लस फोर पाई प्लस थ्री पाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसकी दूसरी समीकरण आएगी, बिंदु पाई बाय टू जीरो पर स्पर्श रेखा, यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे हम इसमें, तो ये आ जाएगी टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस पाई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो दो समीकरणें ये आंसर आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16, प्रवणता टू वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र वाई प्लस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो को स्पर्श करती है। तो हमें वक्र दिया गया है वाई प्लस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता डी वाई बाई डी एक्स टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब दी गई प्रवणता है टू, दोनों के इक्वल रख देंगे हम, ये टू से टू कैंसिल वन आ जाएगा, एक्स माइनस थ्री इजिकल टू प्लस माइनस वन, तो दो वैल्यूज आ जाएंगी टू और फोर। एक्स की वैल्यू टू रखेंगे हम समीकरण में तो वाई इजिकल टू आ जाएगा, एक्स की वैल्यू फोर रखेंगे तो वाई इजिकल टू माइनस टू आएगा। तो यहाँ टू टू से होकर जाने वाली तो स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा वाई माइनस टू टू एक्स माइनस टू, तो वाई माइनस टू एक्स प्लस टू। फिर है बिंदु फोर टू से जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण वाई माइनस माइनस टू टू इंटू एक्स माइनस फोर, तो यह आ जाएगी वाई इजिकल टू टू एक्स माइनस टेन। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि वक्र एक्स की पावर टू अपॉन थ्री प्लस वाई की पावर टू अपॉन थ्री इजिकल टू ए की पावर टू अपॉन थ्री का अभिलंब एक्स अक्ष से फाइ कोण बनाए, मतलब अभिलंब एक्स अक्ष से फाइ कोण बना, अभिलंब का जो कोण बनेगा वो टेन फाइव हो जाएगा, तो दिखाइए कि इसका समीकरण वाई कॉस फाइ माइनस एक्स साइन फाइ इजिकल टू ए कॉस टू फाइ। तो माना वक्र एक्स की पावर टू अपॉन थ्री प्लस वाई की पावर टू अपॉन थ्री इजिकल टू ए की पावर टू अपॉन थ्री के बिंदु एक्स वन वाई वन से खींचा गया अभिलंब एक्स अक्ष से फाइ कोण बनाता है। तो एक्स की पावर टू अपॉन थ्री प्लस वाई की पावर टू अपॉन थ्री इजिकल टू ए की पावर टू अपॉन थ्री, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आ जाएगा टू अपॉन थ्री एक्स पर माइनस वन अपॉन थ्री, टू अपॉन थ्री वाई पर माइनस वन अपॉन थ्री डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू ज़ीरो। इससे हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, यह आ जाएगा माइनस वाई की पावर थ्री वन अपॉन थ्री एक्स की पावर वन अपॉन थ्री। अब बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता एक्स वन वाई वन पर लेंगे तो वाई वन यहाँ पे वाई की जगह वाई वन और एक्स की जगह एक्स वन आ जाएगा। अब इस पर अभिलंब की प्रवणता एम टू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम वन, माइनस माइनस प्लस हो गए और ये हो गया एक्स पावर वन अपॉन थ्री वाई की पावर वन अपॉन थ्री। अब प्रश्न अनुसार दिया है कि अभिलंब फाइव कोण बना रहा है, मतलब एम टू इज इक्वल टू टेन फाइव। अब ये भी एम टू है ये भी एम टू है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, या लिख दो तुलना करने पर टेन फाइव इज इक्वल टू एक्स के पावर वन अपॉन थ्री अपॉन वाई की पावर वन अपॉन थ्री। एक्स वन की पावर वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू वाई वन के पावर वन अपॉन थ्री टेन फाइव, इनका घन ले लो जिससे कि ये वन अपॉन थ्री हट जाए, एक्स वन इज इक्वल टू वाई वन टेन की क्यूब फाइव। अब बिंदु एक्स वन वाई वन वक्र पर स्थित है तो एक्स वन की पावर टू अपॉन थ्री वाई वन की पावर टू अपॉन थ्री, ये टू अपॉन थ्री हो गया, ये हमारा वक्र का समीकरण था, ये बिंदु इस पर है। एक्स वन का मान रख दो यहाँ पे वाई वन टेन की क्यूब फाइव की पावर टू अपॉन थ्री वाई वन की पावर टू अपॉन थ्री ए की पावर टू अपॉन थ्री। अब इसको इसके पावर में ले लो, इसको वाई वन की पावर टू अपॉन थ्री यहाँ पे
थ्री से थ्री कट जाएगा तो स्क्वायर आ जाएगा, वाई वन के पावर टू अपॉन थ्री इजिकल टू ए की पावर टू अपॉन थ्री। यहाँ दोनों से वाई वन की पावर टू अपॉन थ्री हम कॉमन लेंगे तो टेन स्क्वायर फाइव प्लस वन इजिकल टू ए की पावर टू अपॉन थ्री, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर फाइव। इसको अगर अंडर रूट, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, हम अंडर रूट लेंगे तो वाई वन की पावर वन अपॉन थ्री, ये सेक फाइव ए की पावर वन अपॉन थ्री। सेक फाइव को वन अपॉन कॉस फाइव लिखे तो कॉस फाइव इधर आ जाएगा, वाई की पावर वन अपॉन थ्री इजिकल टू ए की पावर वन अपॉन थ्री कॉस फाइव। आप दोनों साइडों का घन ले लो तो वाई वन इजिकल टू ए कॉस की पावर थ्री फाइव। वाई वन का मान एक्स वन में रखने पर, एक्स वन था वाई वन टेन क्यूब फाइव था तो वाई वन का मान रख दिया ए कॉस की क्यूब फाइव, यहाँ साइन की क्यूब फाइव कॉस की क्यूब फाइव, एक्स वन आ गया ए साइन की क्यूब फाइव। तो बिंदु के निर्देशांक जो हमने एक्स वन वाई वन लिया था उसके निर्देशांक आ गए ए साइन की क्यूब फाइव ए कॉस की क्यूब फाइव। अभिलंब का समीकरण वाई माइनस वाई वन, ये एक्स वन हो गया और ये वाई वन है हमारे पास, तो वाई माइनस ए कॉस की क्यूब फाइव इजिकल टू टेन फाइव इंटू एक्स माइनस ए साइन की क्यूब फाइव। इसको लिख दिया साइन अपॉन कॉस, कॉस को वहाँ गुणा कर दिया, साइन को इधर गुणा कर दिया तो ये आ जाएगा वाई कॉस फाइव माइनस एक्स साइन फाइव इजिकल टू ए कॉस की पावर फोर फाइव माइनस साइन की पावर फोर फाइव। अब ये हो गया वाई कॉस फाइव माइनस एक्स साइन फाइव, इसके हमने गुणनखंड कर दिए कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव और कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव, इन दोनों को जोड़ बना आ गया, ये लगाया तो कॉस टू फाइव, तो आंसर आ गया वाई कॉस फाइव माइनस एक्स साइन फाइव इजिकल टू ए कॉस टू फाइव। जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18, वक्र एक्स के पावर टू अपॉन थ्री प्लस वाई के पावर टू अपॉन थ्री इजिकल टू टू के बिंदु वन वन पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक्स की पावर टू अपॉन थ्री प्लस वाई की पावर टू अपॉन थ्री इजिकल टू टू, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया हमने, ये आ गया माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर वन अपॉन थ्री, दोनों के साथ वन अपॉन थ्री था अभी, ये मैंने तुम्हें पिछले क्वेश्चन में भी करवाया है ये वाला कि कैसे आया। अब एक्स वन वन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, यहाँ वन रखो यहाँ वन रखो तो बाहर माइनस है, माइनस वन आ जाएगी। स्पर्श रेखा का समीकरण ये वाई माइनस वन इजिकल टू माइनस वन एक्स माइनस वन, ये आ जाएगा वाई प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। वन वन पर अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी माइनस वन अपॉन वन वन पर स्पर्शी की प्रवणता, ये माइनस वन अपॉन माइनस वन वन के इक्वल आ जाएगा, ये तो अभिलंब की प्रवणता वन हो गई। वाई माइनस वन वन इंटू एक्स माइनस वन, ये वाई माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 19, सिद्ध कीजिए कि वक्र एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू वन और वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर इंटू एक्स माइनस वन एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो हम इन दोनों में ये शो कर देंगे कि दोनों की प्रवणता इक्वल है। अब ये एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू वन, पहले तो हम इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे कहाँ पर दोनों प्रतिच्छेद कर दिया, तो वाई स्क्वायर का मान यहाँ से हम इस समीकरण में रख देंगे, एक्स के दो बिंदु आ जाएंगे माइनस फाइव और वन। माइनस फाइव असंभव है, क्यों? क्योंकि अगर माइनस फाइव हम यहाँ रखते हैं तो माइनस फाइव माइनस माइनस सिक्स हो जाएगा माइनस ट्वेंटी फोर, और ये वर्ग संख्या है वो माइनस में नहीं आती है, इसलिए माइनस फाइव वाला नहीं हो सकता। यहाँ पे बिंदु आ गया एक्स इजिकल टू वन एंड फिर वाई निकाल लेंगे वाई इजिकल टू जीरो। अब हम इस बिंदु पर दोनों की प्रवणता ज्ञात करेंगे, दोनों का अवकलन करेंगे पहले हम इसमें, तो हमने ये आगे डी वाई बाई डी एक्स आगे माइनस एक्स अपॉन वाई, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आगे टू अपॉन वाई। बिंदु वन जीरो पे प्रवणता निकालो, इन्फिनिटी दोनों की, दोनों का टेन पाई बाय टू आ रहा है, तो दोनों वक्रों की प्रवणता समान है अतः दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। 20वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि यदि वक्र y इजिकल टू एक्स के क्यूब और एक्स वाई इजिकल टू के एक दूसरे को लंबवत काटते हैं तो 3k इक्वल्स टू वन। हमें दे रखा है कि दोनों एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, मीन्स हम दोनों की प्रवणता निकाल लेंगे। इसकी प्रवणता y इजिकल टू एक्स क्यूब ली, इसकी प्रवणता m1 ले ली,
ये लिया, इसकी प्रवणता m2 ले ली, या जाएगी माइनस y अपॉन x, दोनों लंबवत काटते हैं तो m1 m2 इक्वल टू माइनस वन, ये सूत्र होता है इसका। अब और इसका साथ में हम प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा x इजिकल टू के पावर वन अपॉन फोर, और y का इजिकल टू एक्स क्यूब है तो x की वैल्यू रख देंगे, y का आ जाएगा के पावर थ्री अपॉन फोर। अब m1 m2 में ये था हमारे पास, यहाँ पे हमने ये स्क्वायर से x कैंसिल हो गया, x और y की वैल्यू हमने निकाल ली, माइनस से माइनस कैंसिल, और एक्स वाई की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में दी हुई है के, तो ये थ्री के इक्वल्स टू वन। हम इसमें इतने पोर्शन को जो प्रतिच्छेद बिंदु वाला पोर्शन है उसको हम छोड़ भी सकते हैं, इसकी नीड हमें नहीं है, हमने कई क्वेश्चन में निकालना है, इसको अगर ना भी करो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि एम वन एम टू से एक्स वाई आ रहा है और एक्स वाई की वैल्यू हमें की गिवन है। अब 21वां क्वेश्चन है आपका, फलन एफ एक्स थ्री एक्स की पावर फोर प्लस फोर एक्स क्यूब माइनस बारह एक्स का स्क्वायर प्लस बारह का उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 21, फलन एफ एक्स इजिकल टू थ्री एक्स की पावर फोर प्लस फोर एक्स क्यूब माइनस बारह एक्स का स्क्वायर प्लस बारह का उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। एफ एक्स हमारे पास ये है, अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, एफ डैश एक्स ये आ गया, यहाँ बारह एक्स कॉमन आ जाएगा, इसके गुणनखंड करेंगे x प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन। अब एफ डैश एक्स इजिकल टू जीरो रखने पे इससे बिंदु मिलेंगे हमें, तो एक्स जीरो एक्स प्लस बारह तो जीरो के इक्वल हो नहीं सकता, एक्स प्लस टू को जीरो रखेंगे एक्स इजिकल टू माइनस टू, एक्स माइनस वन को जीरो रखेंगे एक्स इक्वल्स टू वन, तो तीन मान आ गए जीरो माइनस टू और वन। अब द्वितीय अवकलित परीक्षण द्वारा एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे हम, यहाँ पे बारह कॉमन ले लेंगे, थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू। अब जीरो माइनस टू और वन इसमें मान रखेंगे, इससे पता चलेगा उच्चतम कौन सा है और निम्नतम कौन सा है, यहाँ हमने जीरो रखा तो माइनस चौबीस आ गया, जीरो से छोटा इसलिए उच्चतम, माइनस टू रखा बहत्तर आया, जीरो से बड़ा है निम्नतम, माइनस वन रखा हमने एफ डबल डैश एक्स वाले में रखेंगे हम एफ डबल डैश माइनस टू, एफ डबल डैश जीरो और एफ डबल डैश वन, तो ये आ जाएगा सात, जीरो से बड़ा तो ये भी निम्नतम हो गया। अब हमें देखना है, अब एफ एक्स में वैल्यू रखी हमने जीरो तो ये बारह आ गया, एफ एक्स में वैल्यू रखी एक्स की माइनस टू माइनस बीस आ गया, और वन वैल्यू रखी तो सेवन आ गया, मीन्स उच्चतम मान बारह हो गया, ये उच्चतम हमारे इस पर आया, ये मान बारह आ गया, निम्नतम दो थे एक माइनस बीस और एक सात, तो माइनस बीस वाला छोटा है तो निम्नतम मान माइनस बीस। 22वां क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। एफ एक्स हमें दिया हुआ है 22वां क्वेश्चन, ये दे रखे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ डैश एक्स निकालेंगे हम कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब एफ डबल डैश एक्स निकाल लिया साथ साथ माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इससे हमें उच्चतम और न्यूनतम का पता चलता है। उच्चतम और न्यूनतम पहले हम बिंदु निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स को जीरो रखेंगे, या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इजिकल टू जीरो, इसको इधर लिया है साइन एक्स इजिकल टू कॉस एक्स, कॉस एक्स को इसके नीचे कर दिया, साइन अपॉन कॉस हो गया टेन एक्स इजिकल टू वन, वन की जगह टेन पाए बाय फोर, तो एक्स की वैल्यू आ गई एन पाए प्लस पाए बाय फोर, जहाँ एन ये पूर्णांक है। अब है एक्स पाए बाय फोर, जब जीरो वैल्यू रखेंगे तो पाए बाय फोर, वन रखेंगे तो पाँच पाए बाय फोर, टू रखेंगे तो नाइन पाए बाय फोर, इस पर हम एफ डबल डैश एक्स में वैल्यू रखेंगे इसकी हम, इसकी भी एफ डबल डैश एक्स में और इसकी भी एफ डबल डैश एक्स में, तो यहाँ पे माइनस रूट टू आ गया, जीरो से छोटा है उच्चतम, यहाँ पे रूट टू आया जीरो से बड़ा है न्यूनतम, और यहाँ पे जीरो से छोटा है तो उच्चतम, माइनस रूट टू आया। अब इसके मान निकालेंगे, अब एफ एक्स में वैल्यू रखेंगे, यहाँ रूट टू आ जाएगा और यहाँ पे भी रूट टू, उच्चतम मान में चाहिए, उच्चतम यहाँ है और यहाँ है, तो उच्चतम मान रूट टू इसका आ जाएगा। फलन एक्स की पावर एक्स का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो वाई इजिकल टू एक्स की पावर एक्स
जब घात में होते हैं तो हम लॉग लेते हैं, लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा वाई इंटू वन प्लस लॉग एक्स। तो ये सेकंड समीकरण हो गई। अब इसको दोबारा से अवकलन करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा एक्स पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर इंटू प्लस एक्स की पावर एक्स माइनस वन। उच्चिष्ट और निम्नतम मान के लिए डी वाई बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल रखेंगे, वन प्लस लॉग एक्स आ गया माइनस वन, तो ये आ गया एक्स इजिकल टू ई की पावर माइनस वन वन अपॉन ई। एक्स इजिकल टू वन अपॉन ई पर देखते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर में वन अपॉन ई की पावर वन अपॉन ई, वन प्लस लॉग वन अपॉन ई की स्क्वायर, वन अपॉन ई की पावर वन अपॉन ई माइनस वन। ये भी स्क्वायर वाला नंबर है, ई का मान टू और थ्री के बीच में होता है, ये प्लस है तो सारे ये प्लस में हो जाएंगे, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, तो एक्स इजिकल टू वन अपॉन थ्री पर फलन का मान न्यूनतम होगा। और इसका न्यूनतम मान आएगा वाई, इसमें वैल्यू रखनी है वाई इजिकल टू एक्स के पावर एक्स में, तो वन अपॉन ई की पावर वन अपॉन ई, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, वक्र वाई इजिकल टू एक्स के स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, जो ए पार्ट है रेखा टू एक्स माइनस वाई प्लस नाइन इजिकल टू जीरो के समांतर है, बी पार्ट है रेखा फाइव वाई माइनस फिफ्टीन एक्स इजिकल टू थर्टीन पर लंब है। अब फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं कि रेखा इसके समांतर है, वाई हमें दे रखा है एक्स का स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन, समांतर है तो दोनों के डी वाई बाई डी एक्स प्रवणता इक्वल होगी, डी वाई बाई डी एक्स इसकी निकालेंगे टू एक्स माइनस टू, इसका निकालेंगे टू आ गया, दोनों की तुलना करेंगे दोनों इक्वल रखेंगे हम, तो एक्स की वैल्यू आ गई टू, एक्स का मान हम समीकरण में रख देंगे, वक्र में रखा है इसमें, और ये आ जाएगा बिंदु सेवन। स्पर्श रेखा का समीकरण वाई माइनस वाई वन डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन, यहाँ इसमें वाई माइनस वाई ज़ीरो डी वाई बाई डी एक्स माइनस जीरो, तो इसके सेवन रख दिया, यहाँ पे टू रख दिया, ये आ गया वाई माइनस टू एक्स माइनस थ्री। अब इस पर लंब है, लंब में हम अब उसका समीकरण टू एक्स माइनस टू था, इसका भी हम निकाल लेंगे प्रवणता, तो ये आ जाएगी स्पर्श रेखा की तीन अभिलंब की प्रवणता माइनस वन अपॉन थ्री। वक्र की जो स्पर्श रेखा होती है वो अभिलंब की प्रवणता के समांतर होती है, तो इससे हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे फाइव अपॉन सिक्स, फिर वाई की निकाल लेंगे टू हंड्रेड सेवेंटीन अपॉन थर्टी सिक्स। स्पर्श रेखा की का समीकरण निकाल लेंगे हम, इसमें वैल्यूज रखेंगे प्रवणता की, ये आ जाएगी थर्टी सिक्स वाई प्लस बारह एक्स माइनस दो सौ सत्ताईस। क्वेश्चन नंबर 25, प्रवणता माइनस वन वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए, जो वक्र वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स इज नॉट इक्वल टू वन को स्पर्श करती है। तो ये हमें वक्र की समीकरण दी हुई है, अवकलन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, प्रवणता निकाल ली माइनस वन, और दी प्रवणता माइनस वन है, और हमारी आई माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर, दोनों को इक्वल रखेंगे, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस वन आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया था, तो एक्स की वैल्यू ए बार प्लस लेंगे माइनस लेंगे, एक्स वैल्यू टू और जीरो आ जाएगी, अगर एक्स को हम टू लेते हैं तो वाई की वैल्यू वन आ जाएगी, और टू वन पर रेखा का समीकरण वाई माइनस वाई ज़ीरो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस एक्स ज़ीरो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दी माइनस वन, वाई ज़ीरो की वैल्यू वन और एक्स ज़ीरो की वैल्यू टू, ये समीकरण आ गई। वाई को हम जीरो रहेंगे, एक्स को जीरो लेंगे तो वाई माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पे फिर से हम रेखा का समीकरण हम निकाल लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 26, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 6 है और जिनके घनों का योग निम्निष्ट है। हमने संख्याएं मान ली एक्स और वाई, दोनों का योग 6 है तो दूसरी संख्या 6 माइनस एक्स हो गई, घनों का योग एक्स एक्स क्यूब प्लस वाई की क्यूब, एक्स क्यूब यही है वाई सिक्स माइनस एक्स क्यूब हो गया, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी एस अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे हम, यह आ जाएगा थर्टी सिक्स एक्स माइनस वन हंड्रेड एट, डी एस अपॉन डी एक्स को जीरो रखेंगे बिंदु निकालने के लिए, तो एक्स इजिकल टू थ्री आ जाएगा, वाई इजिकल टू थ्री आ जाएगा। अब हमें इसको निम्निष्ट बताना है, तो
तो हम फिर से एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डी टू एस अपॉन डी एक्स का स्क्वायर 36 आ जाएगा, 0 से बड़ा है अतः ये निम्निष्ट है। तो संख्याएं आ गई, हमारी आंसर आ गया संख्याएं 3 3। क्वेश्चन 27, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब इज इक्वल टू ए की क्यूब, ये उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा वाई अक्ष के समांतर है। तो माना बिंदु x1 y1 पर खींची गई स्पर्श रेखा वाई अक्ष के समांतर है, वक्र में दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई की क्यूब इजिकल टू ए की क्यूब। अब x1 y1 वक्र पर है तो x1 की क्यूब प्लस y1 की क्यूब इजिकल टू ए की क्यूब, समीकरण 1। अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस अपॉन y का स्क्वायर। अब x1 y1 बिंदु पे x1 का स्क्वायर अपॉन y1 का स्क्वायर, तो प्रवणता हो गई हमारी m इजिकल टू x1 का स्क्वायर अपॉन y1 का स्क्वायर। स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर में दे रखी, तो m हो गया 1090 इन्फिनिटी 1/0 m की वैल्यू। अब इसको x1 का स्क्वायर अपन y1 के स्क्वायर को हम 1/0 रख देंगे, 0 की गुणा कर दी, y1 का स्क्वायर इजिकल टू 0, y1 0, y1 की वैल्यू यहाँ रख दी, x1 आ गया a, तो स्पर्श बिंदु के निर्देशांक हो गए a 0। 28वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण टेन इनवर्स रूट टू है। तो हमें दिया हुआ है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई एल है, अर्धशीर्ष कोण थीटा है, लंबवृत्तीय शंकु एंगल एबीसी, इसका ये कोण लंबवृत्तीय 90 डिग्री है, तो त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी 90 डिग्री हो गया। पाइथागोरस प्रमेय लगाई हमने इसमें, एल स्क्वायर इजिकल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये आर है त्रिज्या और ये ऊंचाई है इसकी, एच हो गया अंडर रूट आर का स्क्वायर, एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आर स्क्वायर ये है हमारा कॉन्स्टेंट और एच की जगह हमने एल स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर रख दिया। दोनों पक्षों का ये वी है आयतन हमारा, वर्ग किया वी का स्क्वायर इजिकल टू 1/9 पाई का स्क्वायर आर की पावर 4 इंटू एल स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। वी के स्क्वायर को जेड मान लिया, जेड इजिकल टू ये हमारा ओपन कर दिया हमने इसको, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी जेड अपॉन डी आर, क्योंकि एल हमें दिया हुआ है, एल कॉन्स्टेंट है हमारा, एल के स्क्वायर को बाहर ले लिया, आर के सापेक्ष करेंगे तो आर के पावर 4 करेंगे 4 आर क्यूब आ जाएगा, आर के पावर 6 तो करेंगे 6 आर के पावर 5। डी जेड अपॉन डी आर इजिकल टू 0 रखने पर यहाँ पे हम इसको इधर ले आए, 1/9 से 1/9 कट गया, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर, ये अब बचा एल के स्क्वायर आर की क्यूब, ये 6/4 हो गया और आर की 5 हम इधर नीचे ले आए, यहाँ से इसको कट करा आर की पावर क्यूब से, ये कट होके 2 आ जाएगा, तो एल का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर इजिकल 3/2, एल अपॉन आर आ गया √3/√2। अब हम यहाँ से हम देखें √3/√2 आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, थीटा के सामने लंब होता है, तो इससे हम ये कर्ण है ये लंब है इससे हम आधार निकाल लेंगे, आधार आ जाएगा हमारा 1, ये 1 आ गया हमारा। अब टेन थीटा होता है लंब अपॉन आधार √2/1, टेन थीटा इजिकल टू √2 और थीटा आ गया 10 inverse √2। अब फिर से अवकलन करेंगे इसका देखने के लिए कि इसका आयतन महत्तम है या नहीं है, अवकलन किया दोबारा से हमने और ये आया हमारे पास −4/3 पाई स्क्वायर आर के पावर 4। अब पाई का स्क्वायर है ये भी प्लस का होगा, आर की पावर 4 है ये भी प्लस का होगा, सम घात है तो प्लस की होगी, बाहर माइनस है तो 0 से छोटा हो जाएगा, अतः आयतन महत्तम है। तो थीटा इज इक्वल टू 10 inverse √2 पर आयतन महत्तम है। सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। तो लंबवृत्तीय त्रिज्या शंकु की त्रिज्या ओ सी, ये आर हो गई, ओ ए इसकी ऊंचाई एच हमने ले ली और बेलन की त्रिज्या ओ ई ये हमने एक्स ले ली और ऊंचाई क्यू ई। अब इन दो से ये दो त्रिभुज हैं हमारे पास क्यू ई सी और ए ओ सी, इन दोनों में ये कोण 90 डिग्री का है, ये एंगल दोनों में समान है तो दोनों समरूप हो गए,
समरूपता के नियम से क्यू ई अपॉन ओ इज इक्वल टू ई सी अपॉन ओ सी। ये हो गया क्यू ई अपॉन एच इज इक्वल टू आर माइनस एक्स अपॉन आर। क्यू ई की वैल्यू आ गई एच इन टू आर माइनस एक्स अपॉन आर। अब बेलन का वृत्त पृष्ठ होता है 2πRh, यहाँ त्रिज्या x है और ऊंचाई है h इंटू आर माइनस एक्स अपॉन आर। तो ये हो गई 2πH अपॉन आर, आर एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर। अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो ये आ जाएगा 2πH अपॉन आर, आर माइनस टू एक्स। डी एस अपॉन डी एक्स इजिकल टू जीरो रखने पर इस समय बिंदु मिल जाएगा। अब r माइनस टू एक्स इजिकल टू जीरो, एक्स की वैल्यू आ गई आर अपॉन टू, तो बेलन की त्रिज्या आ गई शंकु की त्रिज्या की आधी। दोबारा से अवकलन करेंगे देखने के लिए उच्चतम है क्या निम्नतम है। अवकलन किया तो ये माइनस माइनस प्लस, हाँ ये प्लस है, ये माइनस फोर पाई एच अपॉन आर, जीरो से छोटा है तो उच्चतम है, क्योंकि एच भी जीरो से बड़ा है और आर भी जीरो से बड़ा है, दोनों जीरो से बड़े हैं, इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा। अतः बिंदु x इजिकल टू आर अपॉन टू पर वृत्त पृष्ठ उच्चतम है और बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी है। लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर का है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। स्थित कीजिए कि अर्धशीर्ष कोण अल्फा और ऊंचाई h के लंबवृत्तीय शंकु के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की एक तिहाई है और बेलन का अधिकतम आयतन 4/27 पाई एच के क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा है। अब यहाँ पे हमें शंकु की ऊंचाई दे रखी है h, अर्धशीर्ष कोण अल्फा है, इसके अंदर एक बेलन है a डैश b डैश d c, एक बेलन है जो शंकु के अंदर है। बेलन की त्रिज्या x है, बेलन की ऊंचाई v o माइनस v o डैश h माइनस। अब ये हो गया, इधर सूत्र से देखें हम, यहाँ पे x कोट अल्फा आ जाएगा, यहाँ पे x v o डैश b डैश में v o डैश अपॉन o b डैश इज इक्वल टू कोट अल्फा, तो ये आ जाएगा v o डैश इज इक्वल टू x कोट अल्फा। तो यहाँ पे बेलन का आयतन पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर इंटू ऊंचाई, त्रिज्या x है और ऊंचाई h माइनस x कोट अल्फा है, गुणा करा x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आ जाएगा हमारा डी वी अपॉन डी एक्स को जीरो रखेंगे तो जीरो रखने पे या तो एक्स जीरो है वो हो नहीं सकता, असंभव है, ये इसको जीरो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई टू एच अपॉन थ्री टेन अल्फा। फिर से अवकलन करने के लिए उच्चतम या निम्नतम देखने के महत्तम या निम्नतम देखने के लिए तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू रख दी, सॉल्व करा तो माइनस टू पाई एच आया, ये अधिकतम हो जाएगा, ये कोट अल्फा से कोट अल्फा कैंसिल हो गया हमारा, तो ये अधिकतम हो जाएगा। अतः आयतन अधिकतम होगा यदि एक्स इजिकल टू टू एच अपॉन थ्री टेन अल्फा। शंकु की ऊंचाई एच माइनस एक्स कोट अल्फा है, एक्स की वैल्यू रख दी, कोट अल्फा से कोट अल्फा कैंसिल हो गया, सॉल्व करेंगे तो एच अपॉन थ्री आ जाएगा, शंकु की ऊंचाई आ जाएगी एच अपॉन थ्री। अब बेलन का अधिकतम आयतन कितना है, ये पाए त्रिज्या का स्क्वायर इंटू ऊंचाई, एक्स की वैल्यू रख दी, ऊंचाई की वैल्यू रख दी, तो ये आ जाएगा 4/27 पाई एच की क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा। अब ये सारे प्रीवियस बोर्ड या क्वेश्चंस आपको मैंने समझा दिए हैं, इनके प्रैक्टिस कीजिएगा। वैसे ये क्वेश्चन मैंने अपने पिछले वीडियोस में सभी करवाए हुए हैं अधिकतर, और उसको और अच्छी तरह से समझाया हुआ है। ये रिविज़न में अगर ना समय में आया हो आपको तो वीडियोज़ में जाकर देख लेना, उसके लिंक मैं आपको एंड में दे दूँगी। ओके, थैंक यू।